हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कि पाक मीडिया और रमीज राजा का क्या रिएक्शन था जब इंडिया ने बीट किया श्रीलंका को 302 रन्स में। चलो देखें, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं। आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है, लाजवाब थी। यानी कि जो उन्होंने गेंद को पाया है और जिस अंदाज से किया है, कोई भी टीम होती उसमें 100 में आउट हो जाता। यकीन कीजिए मेरा, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैटिंग बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। अभी मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में कमजोर से खेलोगे तो उससे पूरी उसकी टांगे तोड़ दो। ये नहीं है कि उसको बिल्कुल अपने मुंह को ले आओ और आखिरी तक फिनिश करते हुए ले जाओ। इंडिया की जो पीछे जितने वर्ल्ड कप हुए ना, कहीं ना कहीं कोई एरिया वीक होता था, चाहे मिड ऑर्डर हो जाए या टॉप ऑर्डर। इस बार आप देखिए, ओपनर से लेकर नंबर 7 तक इनकी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है और रन करते हुए आ रहे हैं और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आ रहे, क्योंकि टेक्निक अच्छी है, मुश्किल कंडीशन को बड़े अच्छे तरीके से अटैक कर लेते हैं। जड़ होता है तो शामी को लाते हैं तो वो 3 मैचों में 14 विकेट ले लेते हैं। मतलब ये कोई क्या यही है। सो आज जो उन्होंने बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है। यानी कि 3 कोई बात बोली जाती है, कोई है इस बंदे से मुकाबला कर सके? तो मुझे आज लगता है कोई भी टीम है जो वो इंडिया से मुकाबला कर सकती है। मेरे ख्याल में इंडिया की टीम ने, चाहे वो बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, दूसरी टीमों का इतना बुरा हाल किया हुआ है कि वो तो सोच ही नहीं पा रहे कि इस टीम को किसी ना किसी तरीके से हराया जाए। कर लेते हैं, मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते 4-5 मैच, फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितना ये आउट कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत वर्सेस श्रीलंका के मैच में भारतीय गेंदबाजों का कहर देखकर पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया भी भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी देखकर हदमे में आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी है उसे देखकर तो हर कोई पागल हो चुका है। और तो और पाकिस्तानी मीडिया का भी कुछ इसी तरीके का रिएक्शन है। पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि भारत के तो गेंदबाज पूरी के पूरी दुनिया में ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि भारत के गेंदबाज तो गेंद नहीं आग का गोला फेंक कर मार रहे हैं। और तो और भारत के गेंदबाज में तो एक से बढ़कर ये गेंदबाज हैं, वो तो पूरी की पूरी टीम का खेल ही 15 ओवर में ही ख़त्म कर देते हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही है उसे देख कर तो ऐसा ही लग रहा है कि ये वाला वर्ल्ड कप तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही जीतेगी। और तो और भारत को अपने घर में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसे देखकर भी आपको बहुत ही ज़्यादा जाने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया भी भारत की खतरनाक गेंदबाजी देखकर पागल हो चुकी है। और तो और भारतीय गेंदबाजों की तारीफ भी कर रही है। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। हो गया एकतरफा मुकाबला, वन साइडेड। देखिए टू बी ऑनेस्ट इकबाल भाई, इतनी तगड़ी टीम मैंने इंडिया की आज तक नहीं देखी। लेट्स एडमिट दैट। बिल्कुल ठीक है, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स, बैटिंग बैटर्स, ओपनर्स, विकेट कीपर। अभी मैं समझता हूँ इस वक्त तक इन्होंने हर टीम को इस वर्ल्ड कप में एशिया कप का फाइनल खेला, उसमें 50 पे श्रीलंका को आउट किया। आप कहते हो कि वन बैड डे था श्रीलंका, रिपीट कर दिया। और जिस तरह की फास्ट बॉलिंग हो रही है और जो मजा आ रहा है फास्ट बॉलिंग देखने का, यू नो स्पेशली या जो ओपनर हो और इस तरह की बॉलिंग देखे, आउटस्टैंडिंग। देखे इस जिस तरह बुमराह मिडिल स्टंप से गेंद को बाहर निकाल रहे हैं और एज ऑफ द क्रीज जाके निकाल रहे हैं और उस कंट्रोल से, इट्स इनक्रेडिबल। उसके बाद सिराज को भी देख लें, फिर शामी को देखें। आप एज ए बैट्समैन जब आप अंदर जाते हो एज एन ओपनर, आप कहते हो कि यार मैंने ये दो नए बॉलर्स को ना, बॉल के बॉलर्स को आराम से खेला, मैं आके उसके बाद के ऊपर वो उनसे ज्यादा गेंद स्विंग करना शुरू कर देता है। आई थिंक they are going like a runaway train. और मेरा ख्याल है किसी अगर किसी टीम ने जिस तरह सुबह कि इंडिया गंदा जीतेगी श्रीलंका, इंडिया इनविंसिबल है, आपको इस वक्त तो नजर आ रही है, इस वक्त नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ इनका बहुत ही ऑफ डे होगा जहाँ पे ये जो है
ऑन द अदर साइड कंप्लीसेंट तो नहीं होंगे बकिया दो मैचेस मेरा नहीं ख्याल जो जिस स्पिरिट से वो खेल रहे हैं और देखिए एंजॉय कर रहे हैं आई मीन दे आर क्रिकेटर्स तो हैं बट एट द मोमेंट दे हैव बिकम एंटरटेनर्स आप देखिए क्राउड को किस तरह एंटरटेन कर रहे हैं बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एंड दे आर एंजॉयिंग इट जितना क्राउड ज्यादा आता है उतनी ज्यादा इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाती है समी मैंने यही देखा 50 पे ऑल आउट हो जाना आज दोबारा इनके साथ खेल रहे थे तो 55 पे आउट हो जाना लेकिन उससे पहले जो टॉस जीतने के बाद ये कल जिस तरह फैसला किया था न्यूजीलैंड ने एक ब्लंडर जिसे कहना चाहिए दे डिड द सेम थिंग और इतना बड़ा टोटल करवा दिया तो आए एक बॉलर के बाकी किसी ने कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई ओवरऑल कैसे इसको समराइज करना चाहेंगे ये किस तरह इस पोजीशन में आ गया और किस तरह बाहर निकल सकते हैं देखिए हैरानी की बात ये कि महिला जयवर्ध ने इनके एक तरह से मेंटर या कोच कह रहे हैं और वो मुंबई इंडियंस के भी कोच है और यहाँ पे वो खेलते इतना ज्यादा है कि उनको एक एक चीज का आइडिया है कि इवनिंग कंडीशंस क्या है और मॉर्निंग कंडीशंस क्या है और ये जो प्रीएम्प्ट करना होता है ना क्रिकेट में ये सबसे डेंजरस चीज होती है कि अभी की करंट सिचुएशन उसको रिगार्ड ना करें और जो 10:45 चीज होनी है उसके बारे में सोच के डिसीजन ले ये इससे ज्यादा और कोई हिमाकत की बात नहीं होती है उस वक्त सूरज बाहर पिच अच्छी इंडिया चाहे पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे आपको टफ टाइम तो उन्होंने देना ही देना है ना तुम समझ नहीं आई है दूसरी बात यह है कि आपने इंडिया की फास्ट बॉलिंग देखी है लाजवाब थी यानी कि जो उन्होंने गेंद घुमाया है और जिस अंदाज से किया है कोई भी टीम होती उसने 100 में आउट हो जाना था यकीन कीजिए मेरा इसलिए कि आजकल ओडीआई या व्हाइट बॉल क्रिकेट में बैट्समैन की टेक्निक जो है वो बहुत क्वालिटी हो गई है कोई आपको टेक्नीशियंस नहीं मिलते हैं क्योंकि इतनी अच्छी पिचेस होती हैं और बॉलिंग ऑर्डिनरी होती है क्योंकि डिफेंस तुम्हारे लोग तो बोल रहे हैं मेरे तो पुरानी पिचें मिल रही मगर जैसे ही बॉल हिलता है और आपकी टेक्निक क्वेश्चन में आती है तो आपको पता चल जाता है आप कितने पानी में सो आज जो उन्होंने पाकिस्तान कितने पानी में बताना मेरे ख्याल से इतनी बड़ी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो है वो मैंने तो ओडीआई क्रिकेट में बहुत कम देखी है यानी कि तीन बॉलर्स तीनों नया गेंद भी कर सकते हैं तीनों पुराना गेंद भी कर सकते हैं तीनों लेंथ बॉल कर सकते हैं फील्डिंग शानदार और रिलेंटलेस प्रेशर था ये नहीं था कि कोई उन्होंने 350 करके और हुल्लड़बाजी हो रही है या खेल एक दूसरे से खेल रहे हैं या सीरियसनेस कम हो गई है ये होता है एक चैंपियन टीम का फोकस और किसी को इजी ना लेना और उस रिदम में कोई भी आएगा लपेटे में आ जाएगा सो ये अनस्टॉपेबल है भारत की टीम अच्छा रवि एक और चीज हम शामी के हवाले से जानना चाहेंगे आज भी मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस 18 रन दे के 5 खिलाड़ी आउट किए लेकिन ये फोर्स चॉइस थी हार्दिक पांड्या इंजर ना होते तो शायद इनको अपॉर्चुनिटी ना मिलती बट जैसे ही आए 3 मैचेस में इन्होंने 15 आउट कर दिए शानदार परफॉर्मेंस अब अगर लेट्स सपोज आप दूसरी तरफ देखें तो अगर वापस आ जाते हैं हार्दिक पांड्या तो मेरा नहीं ख्याल कि बॉलिंग लाइन में किसी में भी रिप्लेस कर सकते फिर तो किसी बैटिंग को शायद इनको बैटर को बिठाना पड़ेगा इसको कैसे देखते हैं आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये हमारा हेडेक नहीं है ये देखे जिस मर्जी को खिलाए वो चाहे लूले लंगड़े को खिला दे इन्होंने जीतना ही जीतना है वर्ल्ड कप इतनी बड़ी टीम बन गई है भारत की टीम ये मुझे मैंने कहा भी है ये जो 80s की वेस्ट इंडीज टीम थी ना ये उसके एट पार है रिगार्डिंग परफॉर्मेंसेस और रिगार्डिंग जिस तरह से डिफरेंस डाला हुआ इन्होंने क्योंकि आप चाहते हैं कि इनको मैच करें स्किल वाइज फिटनेस वाइज गेम अवेयरनेस वाइज भैया वो कह रहे हैं हार्दिक को लेकर अगर हार्दिक आ गया तो भैया ये तो बैटर किसी बैटर को निकालना पड़ेगा तो कौन जाएगा सभी अच्छा खेल रहे हैं तो वो उसका जवाब सुना था कि बात इसकी नहीं है वो हमारी सरदर्दी नहीं है फिर उसको रिलाइज हुआ यार पंगा हो जाएगा अच्छा बनना है अच्छा बनना है फिर उसके बाद उसने कहा कहता है फिर उसने ये शो किया कि इंडिया में आप किसी को भी टीम में ले आओ मतलब विच वॉज रॉन्ग कि आप लूले लंगड़े को भी ले आओ तो भी इंडिया की टीम जीतेगी ये एक वो गलत स्टेटमेंट था पर वो दिखा रहे हैं कि हमारी टीम इस पांड्या जब वापस आएगा प्रॉब्लम होनी है होता है मैं वो तो सोच रही मैं भी सोचती हूँ क्या करना है कि पांड्या को वापस नहीं लेके आएंगे आई डोंट नो पांड्या को बोलो तुम रेस्ट ही लो आज इस बार ही ले ही लो वर्ल्ड कप के बाद अब जितनी रेस्ट है क्योंकि तुम्हें हर बार ही देख रहे हैं कि तुम्हारा क्या हाल है अभी तुम ठीक हो यानी वो रेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं है अभी टीम इज डूइंग ग्रेट टीम इज डूइंग ग्रेट यू टेक कंप्लीट रेस्ट ताकि पंगा ही ना हो किसी को फील भी ना हो कि भैया मुझे निकाल दिया अब जो चल रहा है वो चलने दो और तुम्हें वैसे भी रेस्ट की जरूरत है ही नीड्स रेस्ट क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि रोज मॉनिटर हो रहा है रोज देख रहे हैं कि कितना हुआ है तो उससे बेटर है जरूरत नहीं जल्दी अभी जरूरत नहीं है अगर जरूरत हो तो फिर बार बुलाना चाहिए नहीं तो फिर अपने प्लेयर को कहो रेस्ट ले ताकि पूरा रिकवर हो जाए क्या कहते हो है ना ठीक है ना पर ये लोगों को भी अब देख के हैरानी होती है शौक में है कि इंडिया की टीम तो कमाल की है भैया लग रहा है कि इंडिया जीतेगा सबको लग रहा है कि अब इंडिया ही है वर्ल्ड कप वाला जो मेन
कंटेंडर कंटेंडर एंड विनर. तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.